नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। यहां भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद बुरे हालात से गुजर रहे हैं और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, लेकिन खेल के मैदान में राजनीति की जब आड़ आ जाए तो वहां पर रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। बात यहाँ पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाली सीरीज की है, जहाँ पर इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों 3 ओडीआई मैच और 3 टी20 मैचेस खेलेंगे और इस सीरीज को जो ब्रॉडकास्ट करने का जिम्मा है वो सोनी और स्टार के पास है, यानी कि साउथ एशिया में जितने भी क्रिकेट मैचेस या खेल जितने भी ब्रॉडकास्ट होते हैं वो साउथ एशिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के पास उनका अधिकार है, यानी कि स्टार और सोनी के पास उसका अधिकार है। तो यानी कि पाकिस्तान में भी अगर ये श्रृंखला ब्रॉडकास्ट होगी तो इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टार और सोनी के पास है, लेकिन PTB यानी कि जो पाकिस्तान टीवी है, पाकिस्तान टेलीविजन है, उसने साफ तौर पर यहाँ पर सोनी और स्टार के साथ करार करने की मांग रखी थी अपने इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर यानी कि फवाद चौधरी के सामने, यानी कि पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर फवाद चौधरी के सामने, जो कि फवाद चौधरी ने पूरी तरह से नकार दी और उन्होंने इसकी पुष्टि अपने ट्विटर हैंडल पर करी है। उन्होंने कहा है कि PTV की तरफ से हमारे पास स्टार और सोनी से करार करने के ज़रूर हमारे पास अर्जी आई थी, लेकिन हमने उसको नकार दिया है, क्योंकि रीज़न यहाँ पर यह दिया गया है कि 5 अगस्त जिस तरह 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर में, वो हटाया नहीं जाना चाहिए था और जब तक भारत सरकार इस पूरे आर्टिकल को दोबारा से बहाल नहीं करेगी तब तक भारतीय सरकार से वापस से वैसे संबंध नहीं होंगे जैसे पहले थे। तो पाकिस्तान की तरफ से अब 370 का हवाला दिया जा रहा है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि हम 370 की वजह से जो ब्रॉडकास्ट होना था मैच पाकिस्तान में वो नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से मिलकर यहाँ पर बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि आखिर पाकिस्तान में सीरीज को किस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जाए, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो व्यूअरशिप है उसको ग्रैब किया जाए, लेकिन स्टार और सोनी से ये हक छीन लिया गया क्योंकि भारत के साथ इस वक्त पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर इस तरह से राजनीति करना क्या सही है या काफ़ी हद तक फवाद चौधरी ने एक सही स्टैंड लिया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।